बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर मधुर भंडारकर की अपकमिंग मूवी इंडिया लॉकडाउन फिर से पर्दे पे आ रहे हैं। मंगलवार को इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है और ये मूवी थिएटर के बजाय OTT पे रिलीज कर दिया जा रहा है। इंडिया लॉकडाउन में प्रतीक बाबर और अहन कुमार और सवेद भासु प्रसाद जैसे बेहतरीन एक्टर हैं। मधुर भंडारकर के साथ ही इस फिल्म को जयंती लाल कडाके के पैन स्टूडियो और प्रणब जैन के PJ मोशन पिक्चर ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की टीजर की शुरुआत इस घोषणा से होती है कि देश में 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगने वाला है। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में शॉट दिखाए जाते हैं और अलग अलग चिंताएं दिखाई जा रही है। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया लॉकडाउन की कहानी है। श्वेता भासु प्रसाद फिल्म में एक बेसिया का रोल प्ले करती है। वो कहती है कि एक अजीब बीमारी है ये, जो छूने से फैलती है। जब कोई छुएगा नहीं तो उनका धंधा कैसे चलेगा। प्रतीक बाबर फिल्म में एक मजदूर बने हैं, जो पैदल ही अपने परिवार के साथ घर लौटने पर मजबूर हैं। अहाना कुमार एक पायलट है, जो अपने घरों में बंद है और उसे एक सिर्फ शराब का सहारा है। इन सभी की ज़िंदगी को दिखाते हुए यह फिल्म लॉकडाउन के दौर के कुछ सबसे बुरे अनुभवों भी हमारे सामने दिखाती है। मधुर भंडारकर की इंडिया लॉकडाउन इस साल 2 दिसंबर को G5 पर स्ट्रीम की जाएगी। मधुर भंडारकर ने इस टीजर को ट्विटर करते हुए लिखा है कि एक तरह से जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो अनकनी कहानी है जो आप नहीं जानते। साल 2021 में ही इस फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। उनकी पिछली फिल्म बाबली बाउंसर भी OTT पर रिलीज हुई थी, जिसमें तमन्ना भाटिया लीड रोल में थी। अब आपको बता दें कि कब और कैसे आया था फिल्म का आइडिया। फिल्म के बारे में बात करते हुए मधुर भंडारकर ने पिछले दिनों हिंदुस्तान टाइम्स से कहा था, साल 2017 के बाद मैं 3 विषयों पर काम कर रहा था, जिनमें बाबलू बाउंसर भी थी। मुझे एक महिला प्रधान की एक ऐसी कहानी लिखने में 3 साल का वक्त लगा। उसी बीच देश में कोरोना आ गया, 2 साल उसी में चले गए। हम सब घर बैठे हुए थे, उसी समय मेरे दिमाग में इंडिया लॉकडाउन का आइडिया आया और हमारी पूरी टीम ने इंडिया लॉकडाउन पर मूवी बनाने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।